नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी की शराब की लत छुड़वाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप किसी की भी शराब की लत बहुत ही आसानी से छुड़वा सकते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी में जैसे कि मैं अपने पिछले कई वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ किस तरह से शराब की लत छुड़ाई जाती है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिर एक इफेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे आप किसी भी व्यक्ति की शराब उसे बिना बताए छुड़वा सकते हैं, वो भी केवल 7 दिनों में। तो क्या है वो प्रोसेस, चलिए आपके साथ में शेयर करूँ। है आपको, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको लेना है जमाल गुटा। जमाल गुटा कहाँ मिलेगा? तो ये किसी भी बड़ी पंसारी की दुकान पर मिलेगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। जमाल गुटा ले लीजिए, ये दिखने में बिल्कुल मूंगफली के दानों के समान होता है। साथ ही आपको ले लेना है सल्फर 200। जी हाँ, सल्फर 200 जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, ये एक होम्योपैथिक दवा है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको सामने वाले की शराब छुड़वाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी व्यक्ति जब भी शराब पी के आता है, मान लीजिए वो आज शराब की पीकर आया है, तो आपको उसके खाने में जो भी वो खाना खाता है उसमें जमाल गोटे का एक बीज पीस कर डाल दें आप उसके। ठीक है, खाने में के टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर वो खाना नहीं खाता है, कुछ पीता है, तो आप पीने की चीज में ही इसे बिल्कुल बारीक चूर्ण करके डाल दें। वो इसे पी लेगा, पीने के जस्ट आधे घंटे बाद ही या खाने के आधे घंटे बाद ही उसे दस्त लगेंगे। ठीक है, आपको उसे कुछ नहीं बोलना है, आप सिर्फ नॉर्मल रहे, उसे बताए नहीं कि आपने उसे कुछ दिया है, ना आपको कुछ उसके आगे एक्सप्लेन करना है, बस उसे दस्त लगेंगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, उसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिलाते रहें। ठीक है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, एक जमाल गोटे के बीज का असर रहेगा 3 दिनों तक। ठीक है, 3 दिन तक आप देखें उसे, फिर जब वो भी अगेन पी के आता है तब आपको फिर से जमाल गोटा आपको दे देना है। ठीक है, अब दूसरी बार में जब फिर से उन्हें दस्त लगेंगे तो आपको उन्हें कहना है कि हो सकता है तुम्हें शराब पीने से ही दस्त लग रहे हैं, शराब तुम्हें अब सूट नहीं हो रही है, थोड़े दिन के लिए छोड़ के देखो, हो सकता है इसका फर्क दिखे। सामने वाला हो सकता है आपकी बात ना माने तो आप उसे बस उस टाइम उसी तरह से छोड़ दें, एक दो दिन फिर उसी हालत में रहने दें। अगेन जब वो पी के आता है तो आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, फिर उन्हें फिर से दबाव बना के आपको कहना है कि शराब से ही आपको दस्त लग रही है, एक बार छोड़ के देखो। ठीक है, वो हो सकता है आपकी बात ना माने या गुस्सा करे, फिर भी आपको कुछ नहीं कहना है, ठीक है, चलने दो। फिर जब वो पीते हैं तब सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, मतलब जमाल गोटे की मदद से आपको उसके दिमाग में डर पैदा करना है। ठीक है, अब जब आपको लगता है कि उन्होंने शराब पीने में गेप कर दी है, शराब नहीं पी रहे हैं या गेप कर दी है, तब आपको उन्हें सल्फर 200 देना स्टार्ट करना है। सल्फर 200 आपको देना है 10 बूंद, रोज 10 बूंद देनी है सल्फर 200 की। क्या होता है कि एक तो हमने उस व्यक्ति के अंदर शराब का डर पैदा किया, ठीक है, जिसकी वजह से वो शराब से दूर जाएगा, पर अगर उसे कभी तलब लगेगी शराब पीने की तो सल्फर 200 उस तलब को नहीं लगने देगी। क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति शराब पीता है तो उसके शरीर में सल्फर की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, मतलब किसी भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का कोई नशा करता है तो उसके शरीर में सल्फर की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसे नशा करने की तलब लगती है। तो अगर हम उसे सल्फर 200 देंगे तो उसकी वजह से उसके शरीर में सल्फर की पूर्ति हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे याद नहीं आएगी, तलब नहीं लगेगी नशा करने की। तो हमने उसके अंदर शराब को लेकर डर पैदा किया जिससे उसे कभी भी तलब नहीं लगेगी और शराब पीने की याद नहीं आएगी। बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है, बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसे फॉलो करके आप किसी भी व्यक्ति की शराब जिसे बिना बताए बहुत आसानी से छुड़वा सकते हैं। इसे आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करके जाइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको आए दिन इसी तरह के नए नए वीडियोस मिलते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपकी डेली लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ध्यान, बाय बाय।